पैसे? हाँ मैं कैसे पैसे? आधा किलो जलेबी के। आधी किलो जलेबी के 20 रुपए। मैं चुप कर अपना काम कर, मैं हमने खा के देगी, हमें अच्छी नहीं लगी हमें नहीं लेनी। तो फिर आधी किलो खा के देखेगा? मैं आधी किलो खा के देगी, मेरा पुत्र 1 किलो देखता तो धार ले, खा के देख ला, उसके कोई पैसे नहीं, समझ में आ रही है ना? डाल कर हमें अच्छी नहीं लगी हमें नहीं लेनी। मतलब तू पैसे नहीं देगा? इसका मतलब, उसका मतलब क्या? कैसे पैसे? साले का लफाट मारूंगा, बकवास कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी जलेबी। मुल्ला पिटेगा तू मेरे हाथों से। अबे साले, साले निकाल पैसे। हाँ पैसे निकाले पहले, हो पहले साले का लपाट मारूंगा, नहीं ऐसे कर पलंग मुंह कर लिया पहले, साला भाग भाग ले, साला भाग ले। नहीं तो साला भाग गया, भाग तो गया पर क्या, 20 रुपए की जलेबी खाकर 100 रुपए की मार भी तो खा गया। आज के बाद किसी को खवा के नहीं दिखाऊंगा। चल चल भाग ले रुक सारा भाग ले, साला कभी पीछे आ जा, साला साला उसे लेकर आएगा अपने पौने से, वो साला पौने भी लेकर आएगा, कभी मार लेगा साले, भाग ले जलेबी वाले की। तुम फ्री में जलेबी खाया है ना, उसकी बद्दुआ लगी। अच्छा जलेबी फ्री में खाया है, नहीं लगी? अच्छा नहीं लगी, सारी बद्दुआ लगी, सारी तुमने मुझे क्यों मारा? सुन ले, मैंने तुझे नहीं मारा, मैं तेरे पे खाई, तेरे बराबर खाई, मैंने बराबर खाई, दुआ बद्दुआ तो बराबर लगनी चाहिए। मैं जलेबी खा के चोट लगी, मैं तेरे लपाट मार दिए, बराबर झेल, अब निकल घर को चल, बराबर झेल, अब निकल घर को चल, अब बराबर हो गई जलेबी तेरे सटकी, चल। अबे वो यहाँ भी आ गया, उस कम वक्त ने हमारे घर को क्या समझ रखा, मैंने कुछ कहा तो नहीं शैतान ने? वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पलंग पे गिरा के खूब रगड़ा, खूब रगड़ा। मैं और कुछ तो नहीं कहा? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन कह रहे थे अगर इस घर में तूने शेख शिल्ली को कुछ कहा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हाँ ये बात तो सही है। तुझे बता, एक दिन मेरी मामी ने मेरे मामू का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? हाँ। फिर क्या हुआ? होता क्या, फिर तो उस कमबख्त ने मेरी मामी को गांव की गली में भगा भगा के मारा, और अब 50 बार मैं अपनी मामी का जा लिया, मगर मेरी मामी मुझे दिखती भी नहीं है। मेरी मामी मुझे रोज याद आती है, आए मामी, आए मामी, आए मामी, आए मामी। शेख जी आप मत रोइए, वरना मैं भी रोने लगूंगी। रोने लगेगी? तू रो रो, यही तो चाहता हूँ, रुक जा रहा, तू रो। रुक जा ना, रो रो मत, मुत्तरा 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 ये आदमी
पागल तो नहीं हो गया? ओबे, चक्कर क्या? मार 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 जा रही है ये चिल्ली। ये दिखे नहीं है बेटा। बात हो गई रोरिया का बखत। तुम ही तो कह रहे थे बार बार मूत क्या। मैं तो इसलिए रो रही हूँ, बाथरूम में जाते जाते मेरा दिमाग खराब हो गया है, थक गई हूँ मैं। तुम क्यों रो रहे हो? मैं यूं रो रहा था कब वक्त, मैंने सोचा तुझे मुस्कुराने कह दी। मुस्कुराने को कुछ बुरा कर दिया दी क्या, मगा कदी डंडा ढूंढ लग जाती है बार बार। छोड़ो। छोड़ दिया? तुम ये बताओ तुम पे गाना आता है? सेठ जी, दरवाजा खोलो सेठ जी। सेठ जी, कुछ तो बोलो। आज 5 दिन हो गए हैं, पता नहीं ये अंदर क्या लिख रहे हैं। सेठ जी, दरवाजा तो खोलो सेठ जी, वरना मैं अपने अम्मी अब्बू के चली जाऊंगी, फिर कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। सेठ जी, मैं तुम्हारी कसम जहर खा के मर जाऊंगी। दरवाजा खोल दो सेठ जी। दिखा तेरे चेहरे पर, दिखा दिखा साले। अब्बू के चली जाएगी, जहर खा के मर जाएगी साले। ये तो मैंने फ्रंट पेज पे लिखा। सेठ जी खोल दो दरवाजा। सेठ जी दरवाजा खोल दो। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ, क्यों रो रही है? देखो ना अम्मी, आज सेठ जी को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खोला इन्होंने। ओबे, लगता अम्मी आ गई। हाँ, अम्मी से शिकायत लगा रही है साली, तेरे से उत्तर दिखा रही है। ठीक है, इसे भी लिखता हूँ। 5 दिन हो गए, मगर ये अंदर कर क्या रहा है? पता नहीं, मैंने इनसे पूछा तो कह रहे हैं तिरिया चरित्र लिख रहा हूँ। तिरिया चरित्र? हाँ। मगर क्यों? मुझे क्या पता, खुद ही पूछ लो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाल है। मेरा लाल है बाहर में जैसा लाल, मैं बताऊंगी इसे हराम जाते को। 5 दिन हो गए आज इसने पूरे कुनवे को परेशान कर रखा है, मैं निकालूंगी इसका तिरिया चरित्र। अम्मी तू क्या बतलाएगी, ये तो मैंने पहले लिख दिया, मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर लो। खोल रहा ना खोल रहा, हराम जाते पूरा मास्टर बन रहा। तेरा बाप भी कभी पढ़ा? खोल दे, बता रही हूँ, नहीं तो बहुत पिटेगा। ओए मारेगी अम्मी। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं दरवाजा खोल दूंगा, मुझे मारिए मत। प्यार से बोल, प्यार से बोल अम्मी। खोल दूंगा दरवाजा। अच्छा ठीक है बेटे, मारूंगी नहीं तुझे मेरे लाल, तू खोल तो दे मेरे बच्चे। चल बाहर आ, खोल। ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ, खोलता हूँ दरवाजा। आ लिया तेरा बेटा, आ लिया तेरा लाल, आ लिया अलिया। अम्मी आ जा मेरे बच्चे, अम्मी आ मेरे लाल, आ मेरे लाल। हराम जाते, हराम जाते, हराम जाते। अम्मी मैं निकालूंगा।
दरवाजा बंद नहीं करूंगा। तू कर क्या रहा था दरवाजा बंद करके? अम्मी मैं तो त्रिया चरित्र लिख रहा था। क्या करेगा त्रिया चरित्र लिख के? अम्मी इन्हें जोड़ में ले जाके जोड़ में गेरूंगा गलाऊंगा। मेरी नजरों से दूर चला जा। अम्मी तुमने सेठ जी को जरा सी बात के ऊपर इतना मारा, तुम्हें पता है ये मेरे पति हैं। अगर पिटाई इनकी होती है तो दर्द मुझे होता है। अरे तेरा पति है तो क्या मेरा लौंडा ना है? हैं? मेरे बेटे, मेरे शेखू, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे बछड़े, मेरे कछड़े, मेरे बच्चे। अच्छा चल तू जा, तुझे जो करना है तू वो कर। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, इसे भी लिख लेता हूँ। हाँ ये ना रह जाए, इसे भी लिख लो। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये भी लिख लिया साला, इसे भी लिखा। शेख भाई, शेख जी इसे ले तो आए हम तुम्हारा निकाह करा के, मगर भाई आमीन भाई डरना क्या, जब निकाह करा कर ले ही आए तो जूते तो खाने पड़ेंगे। और तो कुछ ना, पूरे गांव की इज्जत तो घट जाएगी जब रोज सुबह सर पे 5 जूता पड़ा करेंगे। यामिन भाई जूते तो मेरे सर पर लगने, तुम क्यों डर रहे हो? अबे इज्जत तो हमारी भी है गांव में। खामोश चबरगंजू। ओबे हाँ यामिन भाई, ये तो बात सही कह रही हो, सुबह उठते ही साली 5 जूते मारेगी जरूर। तू ही बता, जब सुबह रोज 5 जूते मारेगी पूरा मोहल्ला ना देखेगा? मोहल्ला क्यों देखेगा, घर में लगवा लिया करूंगा। उसकी तो तय पूरे गांव के सामने हुई थी, पूरे गांव के सामने मारेगी जूते खड़े करके। कुछ सोचो शेख चिल्ली, मैं चल रहा हूँ काम के लिए। चल निकले पागल मांडा, शेख चिल्ली कैसे होगी शेख चिल्ली? मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। आज की रात कयामत की रात होगी। अजी शेख जी खाना खा लिया? मैंने तो खा लिया भाभी, मगर रुखसाना को खिला दो। खा तो उसने भी लिया, लेकिन तुम आज से कम खाया करो। कम खाया करूं? क्यों भाभी? वो इसलिए 5 जूते रोज नहीं खाने आपको। ओ वो भाभी, भाभी सब देखा जाएगा, मेरा भी नाम शेख चिल्ली है, बेवकूप नहीं हूँ। वो तो सुबह पता चलेगा जब गांव वाले खड़े होके तमाशा देखेंगे। रुखसाना, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? हमें सब पता है, इस घर में हर वक्त ही पे मेरी नजर रहती है। मैं तो इस घर में आज ही आई हूँ, मुझे कुछ मत कहो। ठीक है तो, मगर जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। बताओ जी बताओ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पूरे परिवार के पैर छूकर रोज सलाम करना और
शेख चिल्ली की खातिर करना। जब भी उससे मिलो उसकी सेवा करो और उसका कहा मानना। ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है तो हम चलते हैं रुखसाना। फालतू यार ला, मैं कहाँ फंस गई? इस घर में तो बहुत बुरी आफत है। मैं कैसे डर रही है, बोल भी नहीं रही। मैं कुछ तो बोल। शेख जी आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा? थैंक यू। क्या बात हो गई? आपको पता है आपके घर में कोई बाबा आते हैं? क्या बाबा है? तेरे को आता? हाँ मुझ पे तो आता है। सुनाऊं? सुना। ठीक है। दीदार को तरसे अखिया एक बार जा 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 एक बार जा 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 बाजी भौजा। ऐसा मेरे पे भी आवे ऐसे तो मैं गा दूं। तुम पे आता है? हाँ सुनाऊं? सुनाओ। सुन ले मेरी बात, सुन। कान खोल के सिमल के बैठ जा। एक दिन मेरे गधे को गधी एक लगी थी प्यारी। अच्छा? मेरे गधे ने पास बुलाकर उससे जोड़ी यारी। उस गधी ने एक दिन मेरे गधे के गाल पे काटा। काटा? मेरे गधे को गुस्सा आया, यूं करके लात लगता हमारी। मर गई, 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 मर गई। अजी सुनते हो, क्या सोच रहे हो? अभी तक सोए नहीं? सोने की क्या पूछो बेगम, सुबह के बारे में सोच रहा हूँ। सुबह क्या? अरे वो 5 जूतनी लगेंगे सुबह। अरे उसे छोड़ो तुम, अब की सोचो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अबे अभी छेकली नहीं उठा? हम भी यही देख रहे हैं मामू। अबे बेटा उससे बोलना फजर का टाइम उठ जा करें, बुरी बात है इतनी देर तक नहीं सोते हैं। बेटा बात तो सुन। हाँ मामू। बेटा आसपास कोई कील वाले जूते तो नहीं है? नहीं मामू, हल्के हल्के जूते रखें। हाँ ध्यान रखना, हल्के फुल्के जूते रखना। हल्के ही रखे हैं मामू। कुछ ना पता उसके हाथ में कौन से आ जा। ठीक कह रहे हो मामू। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, बहुत सुबह हो गई, कितना टाइम हो गया। सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। यामीन आज सूरज पूरब से निकला या पश्चिम से निकला है? पता नहीं मामू। हमें भी पता कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगा मामू झाड़ू लगा के मारेगी जूते। भाभी जान थोड़ा बर्तन वर्तन बतला देते, मैं चाय बना लूं। नहीं चाय मैं बना लूंगी, आप नहा लो धो लो। चलो ठीक है, कपड़े रखे, मैं कपड़े धो लाऊं। ठीक। चल अच्छा, चल तू जा खाना बना। जी अम्मी।
अम्मी बाहर रुक जाना, मैं रोटी बाद में खाऊंगा, पहले जोड़ में ना डाल खाऊं। हाँ ठीक है साले, खत्म कर दूंगा पूरे 73 खत्म कर दूंगा, पर साले ने मेरी दही तोड़वा दी, अम्मी ने बहुत मारा, पर मैं भी साले 73 खत्म कर ही दूंगा। मगर साला है झोड़ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई खला भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पानी भी नहीं भर रहा, ढूंढ तो रहा हूँ साले, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं भर रहा कहीं। हाँ पानी वाली तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। हाँ पानी पी लीजिए, पानी पिला दे, अच्छी बात है। पानी पिलाते पिलाते इसमें तेरे चल तर लिखे ही ना, क्या मैं जा रहा हूँ। चलो पानी पी लो। अजी इतना इंतजार कर रही हूँ, मैं तो कल से क्या आ जाऊँ। ठीक है आ जाऊँगा, मुझे कौन सा डर है, बस तू क्या मेरा सिर का डालेगी, इन्हें डाल कर आ रहा हूँ। बस हाला कहीं मिला ही नहीं, पानी भी नहीं मिला। यहाँ फेंक दूंगा आज ना 73 रहेंगे और ना आदमी परेशान होंगे। ये ले जाओ बेटे 73, यहाँ सड़ो सालो। हाँ ठीक है, खाली चादर भी हेरा जा, कभी तिले चादर की महक रह जा। हाँ साले अब से ठीक है, साले कटी रात साले फेंक दे, अब गल जाएंगे। अरे ठीक है आप आ गए, क्यों मैं वहीं रहता, आ गए। हाँ साले फेंक दिया, गल जाएंगे साले। हाँ मुझे फिर पानी छिड़का दे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बचाओ 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 बचाओ, लड़की छेड़ता है, पानी पिलाने मगर तूने मुझे घूसे पिलवा दिए, मगर एक बार बता तू चिल्ला क्यों रही थी, बचाओ बचाओ। मेरी बाल्टी में कुछ गिर गया था, किसी में तो उससे डर गई थी इसलिए चिल्ला रही थी। कुछ गिर गया था, जरा कुबड़ा पड़ा कम नगद, पानी पियोगे? बाप मुझे माफ कर, मुझे पानी पीना ना चाय पीनी, अगर तू मुझे ना छुटाती तो मुझे जान से मार देते। तुम्हें छुड़वा तो दिया ना? हाँ छुड़वा दिया, क्या छुड़ाना, छुड़ाया पूरा तुड़वा दिया। चलो पानी पियो। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया, तूने मुझे पहले पिटवाया क्यों, मैं छुड़वाया क्यों, और तेरी बाल्टी में जरा सा कूड़ा पड़ा, इसका मतलब तू मुझे पागल बना रही है। अरे शेख जी अभी जो तुम लिख के ले गए थे इसके अंदर ये त्रियाचरित लिखा भी है। नहीं क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी एक त्रियाचरित था। कौन कौन से लिखोगे त्रियाचरित? मैंने ना सारे लिखे थे, 5 दिन भूखा प्यासा मर के, मगर ये कहाँ से रह गया? अरे शेख जी जितने तुम फेंक के आए हो ना औरत की, तो इतने इस लट में रहते हैं। कौन सी लट में? इस लट में। हाँ इस लट में, इस लट में उलझे रहते हैं, तेरिया चरित्र दिखा रही है साली। मेरा नाम शेख सिल्लिया, इस लट को पाड़ूंगा, ला ला। हाय अल्लाह हराम जादा मेरी लट ले गया साली, लट दिखा रही, लट पाड़ दूंगा साली, ले जाऊंगा साली, घी नहीं गिर काम कलाऊंगा नहीं। शेख चिल्ली मुझे भी इस लट की कसम है, अगर तेरा हिरन ना बना दिया तो मेरा नाम भी हसीना नहीं। साले कम मगा साले, अरे शेख चिल्ली पागल माने, पागल माने साली, मुझे साली ने मावला मान रखा मुझे, शेख चिल्ली पागल। क्या बात है, क्यों बड़बड़ कर रहा है, क्या हुआ? अम्मी क्या मतलब, उन्हें साली ने बिन बात के मुझे बहुत पिटवा दिया। बिन बात के पिटवा दिया? हमें तो कोई ना बिन बात के पिटवाता, क्या हुआ? होता क्या अम्मी, मैं उन्हें कॉपी किताब ले गया कंधे पे लाद के, मैं दादा वहाँ डालेगा साली, एक औरत साली ने, एक औरत ने गाँव वालों से मिलकर मुझे पहले खूब पिटवाया, फिर कह लेगी तू एक चिड़िया चरित्र लिखना भूल गया, इसे और लिख। फिर तूने लिखा? हाँ लिख लेना, छोड़ा उन्होंने मुझे, और साली ने मुझे खूब मारा, सालों ने सबने मिलकर मुझे खूब मारा, मगर अम्मी मैंने भी साली की लट फाड़ दी, याद रखेगी जिंदगी भर। अच्छा घेट फाड़ना बंद कर, रुखसाना को डॉक्टर के ले जा, बीमार हो रही है। क्या रुखसाना बीमार हो गई? इसका मतलब बुखार चढ़ा दिया तूने। मैं क्यों चढ़ाती, तेरे त्रियाचरित लिखने के चक्कर में बीमार हो रही है, चल खड़ा हो दवाई दिला के ला। रुक जाना अगर तुझे बुखार हो गया तो मेरा क्या होगा, आती दवाई दिला के चल। शेख जी
मेरे पे तो पैदल चलाना जावे। पैदल चलानी जावे? ओबे इतना सता दिया तुझे बुखार ने। एक काम कर, इसे गधे पे बिठा और दवाई दिला के ला। हाँ गधे बिठा के दवाई दिलाओ। गधे पे लग तो मैं हो रहा हूँ। अभी तो गधे बैठाओ, नहीं नहीं बैठाओ पास है। अगर ये गधे पे से गिर पड़ी ऐसी बिना रहने की है। हाँ मैं गधे से गिर सकती हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ ठीक कह रही है। चल खड़ी हो, गधे से गिर जाएगी तो चल जा, डॉक्टर से दवाई लेके आ। चल खड़ी हो। आराम से जाइयो। आराम कर तू। आराम से ले जाइयो। चल दिन फाड़ लाके तू। चल तो रही हूँ। चल आगे तू, पूरी शाम यही कर दिए। चल अब वापस नहीं आना। सेठ जी मैं बीमार हूँ, आराम से तो चल सकती हूँ। ओ बेटा मैं भी आराम से कर रहा हूँ, कब वक्त आराम से चल ले। मैं तो अम्मी के डर है कह रहा हूँ। देख लेंगे मैं अम्मी को भी, चलो तू। हाँ ठीक है, मैं तुझे गधे पे लाता हूँ, क्या करूँ, साला गधा भाग गया, अब तो पैदल चलना पड़ रहा, मुझे बहुत जोर पड़ रहा। कोई बात नहीं सेठ जी। मैं रुक जाना, अब तो एक खुराक खाली आराम लगा ना लगा। हाँ सेठ जी अब तो आराम है। ठीक है तो चल। सेठ जी जब से तुमने दवाई दिलवाई है मैं ठीक हूँ। रुक जाना, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा फास्ट दवाई देता। अच्छा सेठ जी अम्मी के लिए भी बाजार से कुछ ले लो। बाजार से कुछ ले लू? मैं अम्मी के लिए क्या, रुक जाना, मेरा दिल कर रहा तेरे लिए भी कुछ ले लू, तू भी कुछ खा लिए। अच्छा रुक जाना, गरम गरम जलेबी बन रही है, जलेबी खाएगी? जलेबी हाँ खिला दो। है? मगर पैसे तो है ही नहीं। पैसे नहीं है, चलो तो रहने दो। रहने दो, तेरा मन कर रहा, रुक जा, तेरा चाल चलता हूँ कोई। है? आगे दिमाग में चल। चलो ठीक है। बस भैया जल्दी दे दो यार, बहुत देर हो रही है, घर बहुत सारे काम है। लो भैया 100 रुपए दो। वाह भाई जान। हाँ जी। जलेबी गरम है? हाँ जी। क्या भाव दिए? मुल्ला जी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? वह इतनी महंगी, हराम की दौलत मान रहा किसी की? मुल्ला जी देसी घी की है। देसी घी की? हाँ वह खा के देखेंगे पहले। रहने तो सेठ जी, हमें नहीं खानी इतनी महंगी जलेबी। अरे मैडम खा के तो देखो, खा के देखने के पैसे नहीं है। खा के देखने के पैसे नहीं है? हाँ खा के देख लेते हैं, खा के देखने के पैसे है नहीं, काम बन गया बेटा। मुल्ला जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ऐसा कर, आधी किलो दे दे। आधा किलो? हाँ। वाह बढ़िया बढ़िया दिया। बढ़िया बढ़िया ही दे रहा हूँ देख लो। लो आधा किलो हो गई है? रोज तो ले हाथों से, ऐसी पता चल जाए हमें। ठीक है कम बढ़ती हमारे पास कुछ जा रहा। ले कैच कैच तो कैच, मैं कैच दूंगा। खाजा खाजा खाजा, मुंह मत जलवाने ना सेठ जी। मैं खाजा गरम खाजा खा।